हमले हुए तेज। कीव पर हफ्तों बाद फिर हुए हमले। अमेरिका की सहायता से बौखलाया रूस। रूस को सता रहा है डर। जब से अमेरिका ने घोषणा की है कि वो यूक्रेन की मदद करेगा, तब से रूस बौखलाया हुआ है। रूस को डर है कि अगर अमेरिका ने बराबर के बड़े हथियार रूस को दे दिए तो वह रूस में इनका इस्तेमाल ना कर दे। अब इसके बाद रूस अपने आक्रामक तेवर दिखा रहा है और यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसे यूक्रेन का शहर कीव दहल उठा है। हफ्तों से इस शहर में शांति थी, लेकिन अब एक बार फिर से शहर ने तबाही का मंजर देखा है। हालांकि अमेरिका ने कहा था कि अमेरिका ने यूक्रेन को 70 करोड़ डॉलर की नई सैन्य सहायता के ऐलान के साथ कहा है कि इसमें हेलीकॉप्टर, ड्रोन, रॉकेट सिस्टम, रडार, जेवलिन, एंटी टैंक मिसाइल और अन्य हथियार दिए जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आगाह किया है यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट सिस्टम दिए गए तो रूसी सेना उन ठिकानों को निशाना बनाएगी जिन्हें अभी तक छोड़े रखा गया है। पुतिन ने ये नहीं बताया कि किन स्थानों को रूसी सेना ने निशाना बनाने के लिए छोड़ रखा है, लेकिन रूस को सबसे ज्यादा खतरा 80 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाले गाइडेड रॉकेट सिस्टम और दूर से मिसाइल हमला करने वाले ड्रोन से है। ट्रक में फिट इन्हीं रॉकेट लॉन्चरों ने 300 किलोमीटर तक मार करने वाले गाइडेड मिसाइल भी छोड़े जा सकते हैं। हालांकि ये लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट यूक्रेन को अभी नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक के अनुभवों से रूस को अमेरिका पर भरोसा नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका का नाम ना लेते हुए लंबी दूरी के हथियारों की आपूर्ति के लिए चेतावनी दी है। एक इंटरव्यू में पुतिन ने पश्चिमी हथियारों को चना मटर बताते हुए उन्हें आसानी से नष्ट करने की बात कही थी। रूस इससे पहले भी डॉनबास के अंतर्गत आने वाले लुहानसक और दोनेस्तक प्रांतों पर कब्जा कर लेना चाहता है, इसलिए रूसी सेना ने दोनों प्रांतों के साथ ही पश्चिमी हथियारों को वहां पहुंचने से रोकने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। राजधानी कीव पर रविवार सुबह रेलवे प्रतिष्ठानों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर इसी उद्देश्य से मिसाइल हमले किए गए। एक मिसाइल कीव के नजदीक पिवडेनो यूक्रेन्स्क परमाणु संयंत्र के नजदीक गिरी। अगर ये मिसाइल परमाणु संयंत्र पर गिरती तो भारी तबाही तय थी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमले में पूर्वी यूरोप के देशों से यूक्रेन भेजे गए T-72 टैंकों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये मिसाइलें कैस्पियन सागर से उड़े TU-95 बम वर्षक विमानों से छोड़ी गई हैं। इनमें से एक मिसाइल को यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने आकाश में ही मार गिराया। बहरहाल रूस को चिंता है कि अगर अमेरिका और जर्मनी जैसा देश यूक्रेन को मदद करेगा तो कहीं रूस बड़े हथियारों के सामने कमजोर ना पड़ जाए और रूस की जीती हुई बाजी उसके हाथ से ना निकल पाए। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।